हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। बहुत सारा प्यार भरा वेलकम। आज की रेसिपी बिल्कुल नए टाइप की एक हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी है। बच्चे अक्सर जिद करते हैं पिज्जा, पास्ता, मैगी जैसे मार्केट के अनहेल्दी आइटम्स को खाने का, तो उन्हें ये रेसिपी बना करके दीजिए, मार्केट का पास्ता खाना बिल्कुल ही छोड़ देंगे। तो चलिए बनाते हैं आलू से चटक चटकारेदार हेल्दी रेसिपी मिनटों में। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने 4 बॉइल्ड आलू ले लिया है और इसे अच्छी तरह से छील लिया है, इसके छिलके उतार लिया है और अब मैं इन्हें ग्रेट करूंगी। छोटा वाला जो ग्रेटर होता है ना, उसी से ग्रेट कीजिएगा, बहुत आराम से हो जाता है। और ग्रेट नहीं करेंगे तो हाथ से मसल सकते हैं, लेकिन हाँ ये ध्यान रहना चाहिए कि गुठलियाँ बिल्कुल ना हो, ग्रेट करना ज्यादा सेफ रहता है, इसलिए मैं ग्रेट कर रही हूँ। ये मैंने सारा ग्रेट कर लिया है, ये हमारे आलू हैं और अब इसका हम डो बनाएंगे। डो बनाने के लिए हम इसमें ऐड कर देते हैं 2 चम्मच भर भर के गेहूं का आटा। इसके साथ ही मैंने सूजी को ग्राइंड कर लिया था, मोटी वाली सूजी थी इसलिए मैंने ग्राइंड करके 2 चम्मच वो भी ले लेती हूँ। सूजी ना हो तो चावल का आटा भी ले सकते हैं या अरारोट का पाउडर भी ले सकते हैं। अब इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देते हैं, मैंने 1/4 चम्मच नमक डाला है और सबको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। अगर आपके आलू में नमी ज्यादा है तो थोड़ा आटा आप और मिला सकते हैं। अब ये देखिए आटा हमारा गूंथ करके हो गया है। अब मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है पूरे आटे को और 1 पार्ट को रोल कर लेती हूँ। ठीक इसी तरह से मैं एक और पेड़ा बना लेती हूँ दूसरे पार्ट से। अब हमारे पास 2 पेड़ा बन करके रेडी हो गया है। अब इसमें से 1 पेड़ा हम ले लेते हैं और उसको बेलना शुरू करेंगे। तो बेलने के लिए मैंने इस तरह का थाली लिया है जो ज्यादा चौड़ा रहता है। इसके जगह पे आप चकले पे भी बेल सकते हैं या फिर किचन के जो प्लेटफॉर्म है उस पे भी बेल सकते हैं। थोड़ा सा पेड़ा में मैं सूखा आटा लपेट लेती हूँ जिससे बेलने में मेरे को सुविधा रहेगा, आसानी से बिल जाएगा। और बहुत पतला हमें बेल करके नहीं बनाना है, बस इतना पतला मैं दिखाऊंगी आपको कि कितना पतला हमें बेल करके रेडी करना है। बीच बीच में अगर आपको जरूरत लगे तो आप थोड़ा सूखा आटा इसके ऊपर डाल करके या छिड़क करके बेल लीजिएगा। ये देखिए ये बेल करके हो गया, बस हाँ इतना ही पतला हमें, जितना मोटा भरवा पराठा होता है ना बिल्कुल उतना ही मोटा। ये मैंने फॉक लिया है और फॉक से इस तरह से मैं लाइंस खींचती चली जाऊंगी, एकदम बढ़िया से मिला मिला कर खींचेगा, एक सीधे में होना चाहिए। फॉक से दबा दबा करके अच्छी तरह से निशान बना लीजिए। एक लाइन मैं ड्रॉ करके आपको दिखा रही हूँ, सेम इसी तरह से आप बाकी सारे लाइंस बना लीजिए। ये मैं पास से आपको दिखा रही हूँ, है ना, बहुत अच्छी धारियाँ बन गई है। अब बिल्कुल इसी तरह से मैंने पूरे पे बना लिया है, एकदम धारी दिख रहा है बढ़िया से। अब हम इसको क्या करेंगे, या तो आप पिज्जा कटर ले लीजिए या फिर चक्कू ले लीजिए और इसे मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर दे रही हूँ। आप जितना मोटा रखना चाहे उस हिसाब से कीजिएगा और फिर वापस से इसे घुमा करके 4 हिस्से में कट कर लीजिए, बिल्कुल ऐसे जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। अब आप एक जो किसी एक को आप निकाल लीजिए, ये बिल्कुल चकोर नहीं बना है लेकिन आप इसका भी बाद में बना लीजिएगा, मैं आपको चकोर में बना करके दिखाती हूँ कि डिजाइन कैसे निकालना है हमें। तो ये मैं एक निकाल ली हूँ और अब देखिए इस तरह से हो गया है, कितनी बढ़िया लाइंस दिख रही है एकदम बढ़िया से। अब इसके अपोजिट वाली साइड जहाँ प्लेन है उसको इस तरह से रोल करते हुए आप इसे पैक कर दीजिए। बहुत ज्यादा पैक नहीं करना है, दबाना नहीं है, पानी लगा के चिपकाना भी नहीं है, बस इस तरह से आप गोल कर लीजिए जैसे कि पास्ते का डिजाइन होता है ना बिल्कुल वैसे ही। अब एक मेरा नाश्ता बन करके रेडी हो गया है तो इसे मैं प्लेट में रख देती हूँ और ठीक इसी तरह से बाकी सारे को मैं बना लूंगी। और जो एक पेड़ा रखा हुआ है ना उसका भी मैं सेम इसी तरह से डिजाइन बना लूंगी। मैंने सारे डिजाइन्स बना लिए, अब ये देखिए मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, बहुत ही बढ़िया लग रहा है देख करके। तो इसी तरह से मुझे सबके डिजाइन्स बनाने थे जो मैं बना चुकी हूँ। तो चलिए अब आगे के प्रोसेस के लिए हमने पानी उबाल लिया है, 1.5 गिलास के करीब पानी को अच्छी तरह से बॉईल कर लीजिएगा। फिर उसमें 1 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल दीजिए और 1/2 चम्मच सिरका डाल दीजिए, कोई भी सिरका चलेगा, व्हाइट विनेगर भी डाल सकते हैं आप, कोई भी डाल सकते हैं। अब दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और जब अच्छा बॉयल आता रहेगा ना तब इस नाश्ते को आप एक एक करके इसमें डाल दीजिए। अभी आप फ्लेम को मीडियम ही रखिएगा, सारे पड़ गए लेकिन अभी आप इसको बिल्कुल टच मत कीजिएगा स्पून से, जब तक कि सारे ऊपर अपने आप ना आए तब तक टच नहीं करना है। ये देखिए ये सारे ऊपर आ गए हैं खुद ब खुद। अब ये थोड़े से सॉफ्ट नहीं है, थोड़े से हार्ड हो गए हैं तो अब इन्हें थोड़ा सा चलाया जा सकता है। तो चम्मच से इस तरह से अच्छी तरह से चला लीजिए और ये बस 1 से 2 मिनट के अंदर पक जाते हैं, बहुत जल्दी पक जाते हैं।
ये देखिए अच्छा बॉयल आ रहा है, अब मुझे इनको निकालना है। तो निकालने के लिए मैं एक एक करके निकाल रही हूँ, आप अगर चाहिए तो स्ट्रेनर की हेल्प से एक बार में ही निकाल सकते हैं। मेरा स्ट्रेनर भगोने में नहीं जा पाएगा, इसलिए मैं एक एक करके निकाल रही हूँ। तो ये मैंने निकाल लिया, अब तुरंत इसे ठंडे पानी में जैसे मैंने डाला वैसे डाल दीजिएगा, जिससे ज्यादा पकने का जो प्रोसेस है वो रुक जाएगा। अब एक पैन लेते हैं और उसमें हम डाल देते हैं एक चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल, और इसमें डाल देते हैं थोड़े से बारीक चॉप किए हुए लहसुन की कलियों को, और इसके साथ ही हम डाल देते हैं एक हरी मिर्च को बारीक चॉप करके। अगर आप तीखा खाना पसंद नहीं करते तो नहीं डाल सकते। ये धनिया के डंठल को मैंने बारीक चॉप करके उसको भी डाल दिया, इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। सारी चीजों को 10 सेकंड तक आप भूनिएगा। 10 सेकंड के बाद इसमें डाल दीजिए 2 चम्मच टमाटर केचप, और साथ ही डाल दीजिए आधा चम्मच चिली सॉस, एंड साथ ही डाल दीजिए आधा चम्मच सोया सॉस, और तीनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, और बस इसको 10 सेकंड तक और पकाइए, और साथ में डाल दीजिए इसमें हमने जो उबाल करके बॉईल करके रखा है ना जो स्नैक्स या नाश्ता, उसको डाल दीजिए और अच्छी तरह से सारी चीजों को मिक्स कर लीजिए। इसमें अगर आप कुछ और डालना चाहते हैं, कुछ मसाले डालना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। अच्छे फ्लेवर्स के लिए मैं इसमें डाल देती हूँ 2 चुटकी ऑरिगेनो को, और साथ ही डाल देते हैं हम प्याज, ग्रीन वाला जो प्याज होता है ना उसे बारीक चॉप करके वो भी मैं डाल देती हूँ, उससे टेस्ट बहुत बढ़िया आता है और चाइनीज खाने में बहुत बढ़िया लगता भी है। इसके साथ ही मैं डाल देती हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, वो भी 1/4 चम्मच, और अब सारी चीजों को हम मिक्स कर लेते हैं। अब इसका कलर और टेक्सचर देखिए, लग रहा है ना बिल्कुल पास्ता जैसे, लेकिन ये पास्ता से कहीं ज्यादा हेल्दी और बढ़िया लगता है टेस्ट में। अब ये बन करके रेडी हो गया, तो थोड़ा सा धनिया पत्ती को बारीक चॉप करके इसमें ऐड कर देते हैं। अब ये नाश्ता बन करके बिल्कुल रेडी है, एक बार चला लेते हैं और फ्लेम को ऑफ कर दीजिए और इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए। इस रेसिपी को गर्म गर्म खाने का ही अपना एक अलग मजा है। ये मैं आपको पास से दिखाती हूँ, इसका लुक और टेक्सचर देखिए, बहुत ही कमाल का बना हुआ है। अब इस रेसिपी को सर्विंग प्लेट में सर्व करते हैं। इसका लुक और टेक्सचर देखिए, है ना बहुत कमाल का। पास्ता मैगी सब पीछे छोड़ देगा, इतना हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है। ये लीजिए स्पेशल इवनिंग स्नैक्स की चटपटी चटकारेदार रेसिपी, सर्विंग प्लेट में बिल्कुल रेडी है। अगर आपको आज की ये स्पेशल रेसिपी, हेल्दी रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और ढेरों कमेंट्स कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इसी के साथ ये वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।